हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मुनिया और आज आपके लिए लेकर आई बहुत ही मजेदार कहानी। आइए सुनते हैं गरीब टूनी चिड़िया की कहानी। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के परिवार में उसकी दो बेटियाँ और उसका पति मोनू चिड़ा रहता था। टूनी चिड़िया दिन भर घर के काम में लगी रहती थी, लेकिन मोनू चिड़ा कोई भी काम नहीं करता था। वह दिन भर सिर्फ आराम ही करता रहता था। वह बहुत ही कामचोर और आलसी बन गया था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति मोनू चिड़ा से बोलती है, आप कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अब हमारी बेटियां बड़ी होने लगी हैं, अब हमें उन्हें पढ़ाना पड़ेगा और उनकी शादी भी तो करनी पड़ेगी। मोनू चिड़ा बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे एक बेटा चाहिए, लेकिन तुमने दो बेटियों को जन्म दिया। अब तुम्हें ही उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी करनी है। मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला। यह सुनते ही टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और वह एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है और उनकी शादी भी करनी है। इतने पैसे कहां से लाऊं? लगता है मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। शाम होने लगती है और टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। टूनी चिड़िया जब घर आती है तो उसकी छोटी बेटी रानो बोलती है, चली जाती है। वह जंगल में चारों तरफ देखती है तो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है, अगर मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? मेरी बेटियां तो वहां पर भूखी है और मेरा इंतजार कर रही है। इतना सोचने के बाद टूनी चिड़िया घर की तरफ वापस आने लगती है तो उसे एक पेड़ के नीचे एक फल मिलता है, जिसे लेकर वह घर आ जाती है और घर आकर फल को दो टुकड़ों में काटकर दोनों बेटियों को दे देती है और खुद पानी पीकर अपनी भूख मिटाती है। शाम हो जाती है और वे सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर टूनी चिड़िया काम ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और कालू कौवे की दुकान पर जाकर बोलती है, कालू भाई, आप मुझे कोई काम दे दो। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम ये टोपियों की टोकरी ले जाओ और इन्हें जंगल में बेच देना। मैं तुम्हें महीने के 1,000 रुपए दे दूंगा। टूनी चिड़िया टोपियों की टोकरी उठाकर जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल जाकर टूनी चिड़िया बोलती है, टोपियां ले लो, टोपियां, अच्छी अच्छी टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर सभी पक्षी वहां आ जाते हैं और उससे एक एक टोपी ले लेते हैं। टूनी चिड़िया की आधी टोपियां बिक जाती है और वह घर वापस आ जाती है और घर आकर बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया अपने पैसे लेने के लिए कालू कौवे की दुकान पर जाती है और दुकान पर जाकर बोलती है, कालू भाई, मुझे पैसे दे दो, मुझे घर के लिए सामान लेकर जाना है। तुमने काम अच्छे से नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगा। ये लो 100 रुपए और जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया पैसे लेकर रोते हुए घर आ जाती है और घर आकर बोलती है, कालू कौवा तो बड़ा कमीना निकला, उसने तो मुझे पूरे पैसे ही नहीं दिए। अब मैं कल से टोपियां बेचने का काम नहीं करूंगी और घर पर रहकर ही कुछ काम कर लूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया की दोस्त रानी चिड़िया आती है और वह बोलती है, तुम कैसे हो टूनी चिड़िया?
चिड़िया को सारी बात बता दी। तो रानी चिड़िया बोलती है, तुम चिंता मत करो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें ये बीज देती हूँ जिन्हें तुम अपनी जमीन में बो देना। टूनी चिड़िया बीजों से भरी हुई पोटली ले लेती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो रानी चिड़िया, मैं कल ही इन बीजों को अपने खेत में बो दूंगी और इनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है और घर आकर टूनी चिड़िया उन बीजों को अपनी जमीन में बो देती है और उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया की सब्जियां बहुत बड़ी हो जाती है और वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वह सब्जियों को तोड़ लेती है और सब्जियों की टोकरी को उठाकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है और सब्जियों की दुकान पर जाकर बोलती है, कबूतर भाई मेरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें खरीद लो। कबूतर टूनी चिड़िया की सारी सब्जियां खरीद लेता है और उसे अच्छे पैसे दे देता है और टूनी चिड़िया बाजार से बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और घर के लिए राशन ले आती है और घर आकर टूनी चिड़िया सभी के लिए अच्छा भोजन बनाती है और सभी एक साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। और अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया रोज ऐसे ही सब्जियां तोड़ती और उन्हें बाजार में बेच आती जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे और उन पैसों से ही वह अपने परिवार का पेट पालती थी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।